हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। टुडे आई एम शेयरिंग 3 वेरी क्यूट DIY आइडियाज एंड दैट आर आल्सो फ्रॉम वेस्ट। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वाले आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहली DIY के लिए मैंने ली हैं 2 CDs, अरे दो नहीं, मैंने 4 CDs ली हैं और उनके ऊपर पहले मैंने एक वॉल पुट्टी का डोर रेडी कर लिया है और उनको मैं इसके ऊपर लगाती जा रही हूँ। और उसके बाद जब मैं इसके ऊपर डोर लगा लूँगी तो मैं इसको स्मूथ करने के लिए पानी की हेल्प के साथ इसको स्मूथ कर लूँगी। अब जब ये सब ड्राई हो गया है तब मैंने ली है एक सुपर क्ले और मेरे पास यही कलर्स पड़े थे तो मैंने यही कलर्स की ले ली। आप चाहे तो मोल्डेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वॉलपुट्टी डो के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसकी जो है टर्बन का वो टर्बन बना दी है सुपर क्ले के साथ। अब मैं इसकी गॉगल्स बना रही हूँ जिसके लिए मैंने 2 मिरर्स यूज़ किए हैं और उनको मैं सराउंड कर रही हूँ सुपर क्ले के साथ ही। अब मैं बना रही हूँ इसकी मुस्टैक और वो भी मैंने सुपर क्ले के साथ ही बनाई है। अब हम अपनी जो है हम बना रहे हैं एक क्यूट सा कपल। तो पहले मैंने मैन का जो है वो बना लिया है, अब मैं वुमेन का जो है फेस बनाऊंगी। तो उसके लिए पहले मैं उसकी जो है चुनरी वगैरह वो बना रही हूँ, उसकी ज्वेलरी वगैरह जो भी ऐड करनी है मुझे वो सब मैं सुपर क्ले के साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसकी आईज़ वगैरह और जो भी है बाकी डिटेल्स वगैरह वो मैं ऐसे ही मिरर्स के साथ ही इसकी आईज़ वगैरह बनाऊंगी। और जैसे मैंने मैन की बनाई है गॉगल्स वैसे ही इसकी गॉगल्स भी बना दूंगी। और इसको भी सराउंड जो है वो क्ले के साथ ही कर देंगे सुपर क्ले के साथ ही। तो उसके बाद जब ये सब ड्राई हो गया, जब ये रेडी हो गया तो मैंने इसके ऊपर कलरिंग पार्ट कर दिया है। मैंने मैन के लिए रेड कलर यूज़ किया है और वुमेन के लिए मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है। मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 CDs ली हैं, 4 CDs ली हैं, तो मैंने क्या किया है जो 2 CDs हैं उनके ऊपर मैन और वुमेन की बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए इसमें जस्ट कलरिंग ही कर दी है। एक के ऊपर रेड कलर और दूसरे के ऊपर ऑरेंज कलर मैंने कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए इसकी डिटेल्स वगैरह थोड़ी ऐड कर रही हूँ 3D आउटलाइनर के साथ, थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब मैं उसकी जो वुमेन की नथ होती है वो मैं अपनी पुरानी इयररिंग के साथ ही इसके नोज़ के पास लगा दी है। अब इनको टाई करने के लिए मैंने पीछे रिबन्स लिए हैं और रिबन्स की हेल्प के साथ मैंने इनको जो है इसकी हैंगिंग्स रेडी कर दी हैं और ये हमारा क्यूट सा एक कपल रेडी हो गया है। चलो अब हम अपना नेक्स्ट DIY स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है हैंड वॉश की एक बॉटल जिसका मैं टॉप रिमूव कर दूंगी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर कुछ अपने पुराने जो है मिनिएचर मेरे पास बॉटल्स पड़ी थी वो यूज़ की है उसका माउथ वगैरह बनाने के लिए। और हेड का पार्ट बनाने के लिए भी मेरे पास कोई छोटा सा कोई पीस पड़ा था जो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। पहले मैं इनको फाइल की हेल्प के साथ कवर कर लूँगी और फिर मैं इस बॉटल के ऊपर इनको पेस्ट कर दूँगी। फॉइल से क्या है कि इसको थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमारी जो मोल्डेड क्ले वगैरह हम इसके ऊपर वर्क यूज़ करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। और इसको बनाने के लिए जो है वो और मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया, जस्ट ये वेस्ट जो मेरे पास बॉटल्स और उनके ढक्कन वगैरह जो लिड्स वगैरह पड़ी थी वो ही यूज़ किए हैं। तो उसके बाद क्या है कि ये देखिए अब मैंने इसको ग्लू की हेल्प के साथ ऊपर टॉप पे भी पेस्ट कर दिया है और इसका लेबल रिमूव कर देंगे। अब मैं ले रही हूँ मोल्डेड क्ले जो कि 2 पार्ट्स में आती है, उनको मैं आपस में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लूँगी फिर हम उसको रोल करके मैं इसके ऊपर जो हमने पार्ट कवर किया है ऊपर की तरफ उसको मैं इस मोल्डेड क्ले के साथ कवर कर लूँगी। आप इसको यूज़ करने के लिए टेल्कम पाउडर यूज़ कर लीजिए, इससे क्या है ये स्मूथली जो है रोल वगैरह हो जाएगी। अब हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसका एक्चुअली मैं हेड के ऊपर का पार्ट थोड़ा सा बना रही हूँ तो उसके लिए मैं इसके पार्ट्स को इस टाइप से कट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं इसका टॉप की जो ड्रेस है वो उसको बना रही हूँ, वो भी मैंने मोल्डेड क्ले के साथ ही बना रही हूँ। ये चॉइस आपके ऊपर है, आप अगर इसको जस्ट कलरिंग के साथ ही करना चाहते हैं तो आप कलरिंग के साथ भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जब बनाने के बाद मैं इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दूंगी। और उसके बाद हम इसकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसके नीचे की स्कर्ट जो है उसको भी थोड़ी सी मैं मोल्डेड क्ले के साथ ही जो है वो बना रही हूँ। और उसके बाद जब ये सब ड्राई हो जाएगा तब हम इसके ऊपर जेसो का एक कोट अप्लाई कर देंगे। अब हम इसकी कलरिंग कर रहे हैं
और कलरिंग की चॉइस हमेशा की तरह आपके ऊपर ही होती है, आप जैसे मन चाहे कलर्स वगैरह कर सकते हैं। इसकी ड्रेस पे मैंने एक्चुअली रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर्स यूज़ किए हैं, और आप चाहे जो मर्जी इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने लाइंस के थ्रू ही इसके जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह बनाई है। और उसके बाद हम इसकी जो स्कर्ट वगैरह है, इसकी जो ड्रेस वगैरह है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसकी अदर डिटेल्स वगैरह जो है, आईज़ वगैरह, माउथ वगैरह इसका बना देंगे। और थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत डॉट्स वगैरह बना रही हूँ ताकि ये और खूबसूरत लगे। अब मैं इसकी आईज़ बना रही हूँ, आईज़ और माउथ बना दिया है मैंने। अब मैं इसकी थोड़ा सा, ये मुझे कमी सी लग रही थी तो मैंने क्या किया, मेरे पास पुराने इयररिंग्स पड़े थे अपने, वो ही मैंने ग्लू की हेल्प के साथ इसके ऊपर पेस्ट कर दिए हैं। और इसका गले का नेकलेस जो है वो मैंने राखी के साथ बना दिया है। अब मैंने दोनों साइड्स पे एक एक होल कर दिया था जिसके ऊपर मैं इसकी आर्म्स बना रही हूँ। आर्म्स मैंने जो है वो स्ट्रॉ के साथ बनाई हैं, और ये देखिए इसको हम स्ट्रॉ को इस होल के अंदर डाल देंगे और इसकी आर्म्स को ऊपर कर देंगे जैसे इसने कोई चीज़ उठाई हुई है। एक मेरे पास आइसक्रीम की मटकी पड़ी थी तो उसी को मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। इसको आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, एज ए डेकोरेटिव पीस भी रख सकते हैं, या कोई आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह इसमें रख के भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। पर मैंने इसमें एक प्लांट लगा दिया और हमारा क्यूट सा एक टूल प्लांटर बन के रेडी हो गया है। चलो अब हम अपना थर्ड DIY स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है क्रीम की बॉटल और एक मेरे पास लिड पड़ा था उसको मैंने इसके साथ यूज़ किया। मैंने उस लिड को इस बॉटल के ऊपर पेस्ट कर दिया और इनको जो है मेरे पास वॉल पुट्टी डो बच गया था तो उसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। और इसको कम्प्लीटली पेस्ट करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दीजिए। और उसके बाद मैं इसके ऊपर टॉप के ऊपर रेड कलर और नीचे की साइड में लाइट ब्राउन कलर से इसको पेंट कर दूँगी। और उसके बाद इसकी कुछ हम इसको और डेकोरेट करने के लिए मैं सुपर क्ले का यूज़ कर रही हूँ, और सुपर क्ले के साथ मैं इसके फ्लावर्स वगैरह और इसकी ब्रांचेस वगैरह बना दूँगी और इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। ये सुपर क्ले भी मुझे पुराने प्रोजेक्ट से बच गई थी तो मैंने सोचा कि इसको इससे डेकोरेट कर लूँ। आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको इतना भी बना के छोड़ सकते हैं, पर ऐसे क्या है कि सुपर क्ले के साथ जब हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया फ्लावर्स और ब्रांचेस के साथ तो ये बहुत ही क्यूट लगने लग गया। और ये एक एज ए आप डेकोरेटिव पीस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा कलरिंग से कर दिया है, ग्रीन कलर से इसकी ब्रांचेस वगैरह बना दिए हैं, फ्लावर्स को मैंने रेड कर दिया है और हमारा एक क्यूट सा डेकोरेटिव मशरूम बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के DIY आइडियाज़ भी अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।